जैन दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल 2πF पे। हम लोग का थर्मोडायनमिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन चालू था। हम लोगों ने 186 तक कर लिया था पिछले वीडियो में, कुछ रीजन की वजह से मैं पहले जल्दी उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक, तो आज हमें 187 क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे, स्टिरलिंग साइकिल से। यहाँ देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 187 नंबर पूछ रहा, स्टिरलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो जैसा कि मैंने बताया, स्टिरलिंग साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो और इरिक्सन साइकिल, तीनों कॉमन है क्या? कि इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है। और स्टिरलिंग का मैंने कैसे याद करने कहा था आपको, या आप लोग याद कर लीजिए मेरे नाम से, सौरभ से, लास्ट में भी आता है मेरे, तो उससे क्या आ जाएगा, टू टू आइसोथर्मल प्रोसेस और टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देख लीजिए, आइसोथर्मल दो में है लेकिन कांस्टेंट, टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वाला, टू कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ही हम लोग का जो होगा करेक्ट उत्तर होगा, स्टिरलिंग साइकिल। कोई कंफ्यूजन का दिक्कत ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ स्टिरलिंग साइकिल इज डेट कार्नोट साइकिल। स्टिरलिंग साइकिल, कार्नोट साइकिल और इरिक्सन साइकिल का जो है एफिशिएंसी हम लोग का बराबर होता है, तो इक्वल टू हो जाएगा। इरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिक्शन का मैंने बताया था किस तरह याद करना, इरिक्शन इलिप्टिकल से याद कर रखे, जैसे मैंने आयलर्स की क्वेश्चन, आयलर्स रेशियो का ही बताया था। तो इरिक्शन इलिप्टिकल पी से याद रखे, ई पी आता है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर और टू आइसोथर्मल तो हम लोग का है ही कॉमन, तो हम लोग का 189 का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। द एफिशिएंसी ऑफ इरिक्शन साइकिल इज, जैसा कि मैंने भी बताया, इरिक्शन, कार्नोट या फिर आपका स्टिरलिंग हो, तीनों का जो है हम लोग का क्या होता है, इक्वल टू होता है हम लोग का एफिशिएंसी। अब पूछ रहा स्टिरलिंग एंड इरिक्शन साइकिल आर। अब स्टिरलिंग एंड इरिक्शन साइकिल बताइए कि कौन सा प्रोसेस है, तो ये हम लोग कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। 191 का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। बोथ द इरिक्शन एंड जूल साइकिल हैव टू कॉन्स्टेंट प्रेशर, है ना। इरिक्शन इलिप्टिकल आता है तो पी हम लोग जान ही रहे हैं, है ना, तो उसमें तो टू कॉन्स्टेंट प्रेशर आएगा ही आएगा। जूल साइकिल का पूछा, जूल साइकिल की क्या चीज कंसिस्ट करता है, तो उसमें हम लोग का टू एडियाबेटिक या टू आइसोट्रॉपिक कह सकते हैं, और टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो दो टू कांस्टेंट प्रेशर हम लोग कॉमन है, इसलिए हम लोग 192 का हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, कि हम लोग का ये सही होगा ट्रू। द एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल, जूल साइकिल देखिए कोई भी साइकिल, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% है, तो और भी कोई अगर साइकिल ले तो वो हम लोग का उससे कम ही होगा, तो लेस देन कार्नोट साइकिल। रिवर्स जूल साइकिल इज नोन है, रिवर्स जूल साइकिल को और पूछ रहा है यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं दोस्त बेल कोलेमन साइकिल। क्या कहते हैं, रिवर्स जूल साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, बेल कोलेमन साइकिल। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा न्यूमेरिकल दिया है, छोटा सा न्यूमेरिकल है टेम्परेचर लिमिट पे, देखते हैं। बोल रहा है वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1600K एंड T2K एंड अनदर रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T2K एंड 400K। इफ बोथ द इंजन हैव द सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट द टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू। बोल रहा कोई हीट इंजन होगा, कोई हीट इंजन होगा जो कि ऑपरेट कर रहा है 1600K और T2K। ठीक, ये दो दोनों अलग अलग टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर नहीं दिया हम लोग, मतलब केल्विन में है। T2K का मतलब ये टेम्परेचर हो या केल्विन। ठीक, उसके बाद फिर बोल रहा दूसरा जो रिवर्सिबल हीट इंजन है T2K और 400K में वर्क कर रहा है, 400 केल्विन में वर्क कर रहा है। बोल रहा इफ बोथ द इंजन हैव सेम हीट आउटपुट, दोनों दोनों जो हीट इंजन है, दोनों हीट इंजन का आउट हीट इनपुट और आउटपुट सेम है, तो टेम्परेचर T2 निकालने बोल रहा है, कि टेम्परेचर T2 हम लोग का क्या होगा। तो देखिए इसका कैसे होगा, इसमें क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल ही दोनों हीट इंजन लेते हैं एक ही तरह, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर फर्स्ट केस का देखें, तो फर्स्ट केस में जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है एफिशिएंसी, 1 TL/TH, मैंने हमेशा बताया है, या तो फिर उसको लिख सकते हैं 1 TL/TH, मतलब TH-TL/TH इस तरह से लिख सकते हैं। तो पहला केस में देखिए क्या हो रहा है, पहला केस में 1600 है तो 1600 ले रहे हैं हायर टेम्परेचर, चूंकि फर्स्ट में दिया है तो ये हायर टेम्परेचर ही होगा, है ना, तो 1600-TL/1600। दूसरा केस का अगर बात करें एफिशिएंसी आउटपुट, या फिर दूसरा सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरे केस में क्या हो जाएगा हम लोग का T2-400/T2। ठीक, और यही T2 जो हम लोग को यही T2 जो हम लोग का निकालना, ये भी T2 ही है, TL मैंने, ये भी T2 है। और क्या बोला है कि सेम हीट एंड आउटपुट,
सेम हीट इन हीट एंड आउटपुट है तो हम लोग एफिशिएंसी दोनों का बराबर होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, सिंपली जो है यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या कीजिए दोनों को जो है इक्वेट कर दीजिए। देखिए दोनों को इक्वेट कर देने से क्या होगा हम लोग का, देखिए 1600 माइनस T2 अपॉन 1600 इक्वल टू T2 माइनस 400 अपॉन T2। ठीक, अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1600 T2 माइनस T2 स्क्वायर इक्वल टू 1600 T2 माइनस 16 × 64 हो जाए 64,000। ठीक, 64 कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1600 T2 ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा तो ये हम लोग का कैंसिल आउट। अब क्या बच गया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ाइएगा तो 8864 होता है और 8864 यहाँ पर 2240 सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर 40 होगा तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 800, T2 इक्वल टू 800 केल्विन आएगा, T2 इक्वल टू 800 केल्विन। इसीलिए जैसा कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर जो हम लोग का बीच वाला जो हीट जो हम लोग का टेम्परेचर है हम लोग का कितना है 800 केल्विन। ठीक, इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, हायर टेम्परेचर स्टार्टिंग केस में 1600 लिया था और लास्ट वाले में इसको हम लोगों ने लोअर टेम्परेचर केस लिया था क्योंकि यहाँ पर जो है ये मीडियम रेंज के यहाँ पर टेम्परेचर आने वाला था। ठीक, तो जो 800 के होगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 195 का ए नंबर जो है करेक्ट है। ऑटोसाइकिल पूछ रहा है, ऑटोसाइकिल के बारे में पहले बता दूँ, ऑटोसाइकिल क्या है, इसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी कहते हैं या फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑटोसाइकिल पूछा, ऑटोसाइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो ऑटोसाइकिल तो जान ही रहे हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर कहते वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं तो हम लोग क्या इसका तो टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा ही, तो ये टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दो में दिया है और क्या होता है, और टू एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक को हम लोग क्या कह लेते हैं टू आइसेंट्रोपिक कह लीजिए। तो ए नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा 196 का ए नंबर। ऑटोसाइकिल इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने बताया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। एयर स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो 1 - 1/r⁻γ-1 होता है इसका जो है इफिशियंसी, आर जहाँ के कंप्रेशन रेशियो, गामा जो है हम लोग का रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा तो बार बार मैं बताता हूँ CP/CV, CP/CV, ये हम लोग का गामा कहलाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स भी सब कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल के द इफिशियंसी ऑफ ऑटोसाइकिल डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वर्किंग सिस्टम। जैसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, ऑटोसाइकिल का इफिशियंसी जो है गामा पे डिपेंड करता है, नहीं कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, कंप्रेशन रेशियो आर पे, तो ये हम लोग का जो है ये फॉल्स हो जाएगा, हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। 200 डीजल साइकिल पूछा है, तो डीजल साइकिल क्या है, डीजल साइकिल को हम लोग बोलते हैं या तो बोल सकते हैं इसको हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि हीट एडिशन जो होता है हम लोग कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है, तो इसमें जो है हम लोग का जो सही उत्तर होगा वन कॉन्स्टेंट प्रेशर, वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस से ये कंसिस्ट करता है हम लोग का डीजल साइकिल। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कंप्रेशन रेशियो पूछा है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी, आर क्या होगा, है ना। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं कि ऑटोसाइकिल जो है हम लोग कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑटोसाइकिल तो यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो जो होता है टोटल वॉल्यूम टू हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये तो इसके लिए हो गया, ये हम लोग का साफ दिख रहा होगा कि डी नंबर, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होता है हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम कहते हैं इसको। ठीक, अगर न्यूमेरिकल में ये चीज़ ज़्यादा हम लोग का मायने रखता है कि कंप्रेशन रेशियो जो है टोटल वॉल्यूम टू स्विफ्ट क्लियरेंस वॉल्यूम तो होता है लेकिन टोटल वॉल्यूम किसको कहते हैं, तो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्विफ्ट वॉल्यूम का ये हम लोग का समेशन है, अलजेब्रिक सम। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज, बोल रहा है कंप्रेशन रेशियो सेम रहने के केस में हम लोग का जो है डीजल साइकिल का इफिशियंसी जो है लेस देन होता है ऑटो साइकिल के केस में। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, अभी इसमें बहुत सारे आएंगे सेम कंप्रेशन रेशियो सेम हीट इनपुट ये सब केस में। फिर पूछा द फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, अच्छा शायद वही क्वेश्चन आएगा, ठीक लेस देन ही होगा। द एफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीज विथ, अब डीजल साइकिल का एफिशियंसी किस पे डिपेंड करता है, तो कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो कट ऑफ रेशियो पे हम लोग का वेरी करता है। तो यहाँ बोल रहा है इंक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पे सब तो कट ऑफ के केस में दिया हुआ है,
तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे या कांस्टेंट रखेंगे डीजल साइकिल का हम लोग इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, डिक्रीज इन कट ऑफ करेंगे। डिक्रीज इन कट ऑफ करने से हम लोग क्या होगा, हम लोग का जो डीजल साइकिल का इफिशियंसी है उसमें बढ़ोतरी आएगा। अगर हम लोग कट ऑफ रेशियो को जीरो कर दें डीजल साइकिल में, अगर कट ऑफ रेशियो को जीरो कर दें तो जो हम लोग का इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल है वो इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये ध्यान रखना है आपको एक चीज़, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया मैंने जैसा बताया कट ऑफ, जैसे इसमें देख रहे हैं हम लोग कहाँ गया, ये पिछले वाला क्वेश्चन हो गया डिक्रीज इन कट ऑफ करेंगे तो हम लोग का एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा, जस्ट उसका अपोजिट है। तो इसमें जो है 204 नंबर हमको लग ही रहा था, इसमें जो है मिसिंग है हम लोग का ऑप्शन सी नंबर, कट ऑफ इन जीरो, डी नंबर कट ऑफ इज कॉन्स्टेंट, दो ऑप्शन छूट गया था यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कट ऑफ इज कॉन्स्टेंट। ठीक, चलिए तो जैसा कि मैंने बताया जब कट ऑफ रेशियो को जो हम लोग जो है जीरो पे कर देंगे तो हम लोग क्या कर लेगा, जो डीजल साइकिल वो अप्रोच कर लेगा हम लोग किसका एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी अप्रोच कर लेगा। ऑटो साइकिल इफिशियंसी इज हायर देन डीजल साइकिल इफिशियंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज इन ऑटो साइकिल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेम कंप्रेशन पे क्या हो रहा है हम लोग का, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी जो है कम हो रहा है ऑटो साइकिल केस में। तो वो पूछा है इसलिए इसका वजह क्या है, तो उसका यह वजह है कि हम लोग का हीट रिजेक्शन जो है लोअर होता है। हीट रिजेक्शन क्या होता है ऑटो साइकिल केस में, लोअर होता है। कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन, कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों के लिए होगा, तो कंप्रेशन फॉर रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन मतलब कि ऑटो साइकिल के लिए पूछा है यहाँ पे, तो जनरली इसे 6 से 12 होता है, मैं बताऊँ 6 से 12 होता है। ठीक, ये पेट्रोल इंजन के इसमें या ऑटो साइकिल बोल लीजिए, और जो हम लोग का डीजल साइकिल का वो 16 से 22 होता है। ठीक, ये ऑटो साइकिल का है और ये डीजल साइकिल का है, लेकिन क्या आरएस फॉर्मूले केस में दिया नहीं है ऐसा, तो हम लोग यहाँ पे 5 से 8 मारेंगे, 206 मतलब ऑटो पेट्रोल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशियो हम लोग यहाँ टिक करेंगे 5 से 8 करेंगे, और जो हम लोग डीजल साइकिल का जैसे मैंने 16 से 22 बताया तो उसके अकॉर्डिंग मारेंगे 15 से 20। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन कार्नोट साइकिल, अब पूछा है कार्नोट साइकिल केस में, जैसे कार्नोट साइकिल 2-4 जो है हम लोग का प्रोसेस से कंसिस्ट है, कौन कौन सा, तो 2 आइसोथर्मल और 2 हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो यहाँ पूछा है जो भी हम लोग का हीट रिजेक्शन लेता है कार्नोट साइकिल केस में वो हम लोग का कौन सा प्रोसेस में लेगा, तो हम लोग का वो जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है हम लोग का आइसोथर्मल कंप्रेशन केस में लेता है ना। 2 आइसोथर्मल कहने का मतलब एक आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। 2 एडियाबेटिक कहने का मतलब है एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, मतलब आइसेंट्रोपिक बोल लीजिए, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, ये 4 प्रोसेस होते हैं। तो जो हीट जो हम लोग का होगा हो, जो हम लोग का हीट रिजेक्शन जो होगा हम लोग का वो टेक्स प्लेस लेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में कार्नोट साइकिल केस में। 209 द डुअल कंबसन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों को अगर मिला दिया जाए ना तो डुअल साइकिल बन जाएगा हम लोग। तो डुअल साइकिल का क्या पूछा है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कांस्टेंट प्रेशर, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्या ये सही है हम लोग का। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं क्या ऑटो साइकिल क्या है, ऑटो साइकिल केस में देखें तो ऑटो साइकिल केस में हम लोग क्या हो रहा था, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए हम लोग इसको कह रहे थे हम लोग वॉल्यूम प्रोसेस, और प्लस 2 एडियाबेटिक प्रोसेस ही लिख देता हूँ, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक जो भी लिखिए आप कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर बात कर ले डीजल साइकिल केस में, डीजल तो डीजल में क्या हो रहा था हम लोग को, 1 कांस्टेंट प्रेशर प्लस 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस 2 एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोट्रॉपिक प्रोसेस, तो ये 4 प्रोसेस हो गया हम लोग का 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों कंबाइन कर दिया तो हम लोग कौन साइकिल बनेगा, डुअल कंबसन साइकिल। तो डुअल कंबसन साइकिल में जो होगा हम लोग का जो हो जाएगा, एक तो हम लोग का 1 कांस्टेंट प्रेशर हो ही रहा है, इसमें कांस्टेंट है एक ही, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा,
वन कांस्टेंट प्रेशर, टू कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, टोटल जो है पांच प्रोसेस यहाँ पे जो है यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा डुअल डीजल कंबसन, डुअल कंबसन साइकिल में, सॉरी। ठीक, क्या हो जाएगा, पांच प्रोसेस, एक तो हम लोग का कॉन्स्टेंट प्रेशर, दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, टोटल कितना हो गया पांच। इसीलिए हम ये जो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डुअल कंबसन साइकिल। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, अब डुअल साइकिल का पूछा है कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रहेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा। अगर डीजल और ऑटो का बात करें तो ऑटो साइकिल जो है हम लोग का सेम कंप्रेशन रेशियो में ज़्यादा एफिशिएंसी था, लेकिन अब डुअल साइकिल के केस में बोला है तो डुअल साइकिल में क्या होगा, ग्रेटर देन डीजल होगा साइकिल और लेस देन ऑटो साइकिल। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए हम लोग का इफिशियंसी क्या क्या हो जाएगा इसका, तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल सबसे ज़्यादा डुअल साइकिल बीच में और उसके बाद जो हम लोग का डीजल साइकिल। कहने का मतलब है सेम कंप्रेशन रेशियो में ऑटो साइकिल जो है हम लोग का डुअल साइकिल और डीजल साइकिल से ज़्यादा रहेगा, और डुअल साइकिल का इफिशियंसी जो है डीजल से ज़्यादा रहेगा, डीजल का सबसे कम इफिशियंसी रहेगा सेम कंप्रेशन रेशियो अगर किसी का ले लेते हैं तो। द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कट, हम लोगों ने क्या देखा, जैसे जैसे इफिशियंसी अगर हम लोग को बढ़ाना है हम लोग का डीजल साइकिल का, तो हम लोग क्या करें, कट ऑफ रेशियो जो है आरसी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा ना कि इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हम लोग का रॉन्ग है। ठीक, ये हम लोग का रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट, अब पूछा है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना, सेम कंप्रेशन रेशियो का देख लिए, ये एक दूसरा कंडीशन है सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है डीजल साइकिल ज़्यादा इफिशियंट होता है ऑटो साइकिल केस में, डीजल साइकिल ज़्यादा इफिशियंट। अब पूछा है कि फॉर द सेम कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट आउटपुट द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ गैस पावर साइकिल इज इन द ऑर्डर, है ना। अब पूछा है कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट इनपुट के लिए, तो इस केस में जो है हम लोग का डुअल साइकिल सबसे ज़्यादा और डीजल साइकिल फिर उसके बाद ऑटो साइकिल सबसे कम। ठीक, अब देखिए ऑटो साइकिल पूछा है, ऑटो साइकिल का टीएस जो है डायग्राम क्या होगा, ऑटो साइकिल का हम लोग का टीएस डायग्राम क्या होगा। टीएस डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या है, पीवी डायग्राम भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर पीवी डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, अगर पीवी डायग्राम हम ड्रॉ कर दें यहाँ पर ऑटो साइकिल केस में, ये पी है ये भी है, जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो गया, और ये इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। कहने का मतलब है ये क्या हो गया हम लोग का पीवी डायग्राम हो गया ऑटो साइकिल केस में, जहाँ कि ये जो दोनों है हम लोग का आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और ये दोनों है जहाँ पर हीट इनपुट और आउटपुट हम लोग का मिलेगा, वो हम लोग क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, ये हम लोग का पीवी है। ठीक, तो जहाँ जहाँ हम लोग का वॉल्यूम बढ़ेगा, देख रहे हैं यहाँ भी वॉल्यूम हम लोग कॉन्स्टेंट है, जहाँ जहाँ हम लोग का जो वॉल्यूम जहाँ कॉन्स्टेंट है वहाँ पर टी एस डायग्राम देखेंगे, हम लोग को क्या है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ही देखना है। तो ये देखिए ये दो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, कॉन्स्टेंट प्रेशर तो होगा नहीं, कॉन्स्टेंट प्रेशर हम लोग का डुअल साइकिल डीजल साइकिल में होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जहाँ पे है हम लोग का वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का वहाँ पे जब हम लोग हीट इनपुट करेंगे, एक बार हीट आउटपुट हो रहा है, टू से थ्री देख रहे हैं हम लोग का जो है हम लोग का एंट्रोपी क्या हो रहा है घट रहा है, और फोर से वन में हम लोग क्या हो रहा है एंट्रोपी बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ साथ। तो इसलिए सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस को देख के चलेंगे, बाकी जो है हम लोग का ये जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो सेम ही रहता है। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो डीजल साइकिल एफिशिएंसी मैंने पहले ही बताया कि इस पर डिपेंड करता है कट ऑफ रेशियो पे, है ना, तो कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो साथ में दिया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, अब बताइए कि मैंने क्या बताया था, टू आइसेंट्रोपिक कहने का मतलब एडियाबेटिक, वो साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो साइकिल को हम लोग कहते हैं कार्नोट साइकिल, क्या कहते हैं कार्नोट साइकिल, ये ध्यान रखना है आप लोग। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन जो यहाँ पे मैंने हटा दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट आइए, अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ डैश एंड टू आइसोथर्मल प्रोसेस इन्होंने स्टिरलिंग साइकिल, स्टिरलिंग मैंने बार बार बताया मेरे नाम से याद रखिए, लास्ट में भी आता है, तो टू कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल टू आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है, तो टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वाला हम लोग का करेक्ट होगा। ये मतलब कि ऐसा मैं बता दिया हूँ कि आप लोग भूल ही नहीं पाइएगा चाह करके, चल गए। अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू
अच्छा थर्मल प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन इलिप्टिकल से पी, तो करेक्ट है हम लोग का। नेक्स्ट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक, टू कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक हम लोग का क्या हो रहा था, तो हम लोग का वो जूल साइकिल हो रहा था जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा डी नंबर जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ दिज। ठीक, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखते हैं। जूल साइकिल बोला है कि टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू आइसेंट्रोपिक, ये तो यहीं पर गलत है, ये तो यहीं पे गलत है, यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। एन ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो करेक्ट है। एन इरेक्शन साइकिल कॉन्स्टेंट प्रेशर टू आइसोथर्मल, करेक्ट है। मतलब जो ए नंबर वाला हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। ठीक, जो जो हम लोग का जूल साइकिल क्या होता है, यहाँ पर अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता तो ही हम लोग का करेक्ट होता। ठीक, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया। 221 नंबर, अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो हम लोग उसको क्या कह रहे थे, उसको हम लोग कहते हैं डीजल साइकिल, उसको हम लोग कहते हैं डीजल साइकिल या फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग, इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल हैव द सेम एफिशिएंसी, फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। मतलब कंप्रेशन रेशियो कैसे पूछा है कि कौन सा साइकिल किससे जो है ज़्यादा इफिशियंट रहेगा। ठीक, तो कंप्रेशन रेशियो कैसे, मैंने हमेशा बताया कि ऑटो साइकिल सबसे ज़्यादा जो है हम लोग का इफिशियंट रहेगा, उसका उसका डुअल उसका डीजल। ठीक, तो यहाँ पर डुअल के बारे में नहीं पूछा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है ऑटो और डीजल को देख करके हम लोग मारेंगे कि ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग का 223, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है ऑल द रिवर्सिबल इंजन हैव द सेम इफिशियंसी, ऑल द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजन हैव द सेम इफिशियंसी, इरिवर्सिबल इंजन हैव मैक्सिमम इफिशियंसी और ऑल इंजन आर डिजाइंड आर रिवर्सिबल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम इफिशियंसी, तो हम लोग का जो सी नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जो इरिवर्सिबल इंजन है हम लोग का वो मैक्सिमम इफिशियंसी देगा यहाँ पे। ठीक, जो इरिवर्सिबल जो है हम लोग का वो हम लोग का मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। द एफिशियंसी ऑफ ए डुअल साइकिल, अब पूछा है डुअल साइकिल, डुअल कंबसन साइकिल जो है किस पे डिपेंड करेगा, तो कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड, चूंकि हम लोग का क्या है ये दोनों का मिलकर बना हुआ ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, तो इसका जो है हम लोग का इफिशियंसी जनरली जो है डिपेंड करता है किस पे, कट ऑफ रेशियो पे। When the cut-off ratio is dash, the efficiency of diesel cycle up, जैसा कि मैंने बताया जब cut-off ratio जो हम लोग का जीरो हो जाएगा तभी जो है efficiency जो diesel cycle को कहाँ approach करेगा, ऑटो साइकिल केस में। 26 the efficiency of dual combustion cycle for the same compression ratio is dash than the diesel cycle, फिर सो एक क्वेश्चन पूछ दिया सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो में हम लोग जानते हैं क्या कि efficiency जो है हम लोग का ऑटो साइकिल का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हम लोग का डीजल का, उसके बाद हम लोग का डुअल का, तो यहाँ पे जो है इफिशियंसी जो है डुअल कंबसन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, हम लोग का डीजल से। अ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन वर्क ऑन जूल साइकिल, पूछा है कि कोई भी क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है क्या वो हम लोग का जो है जूल साइकिल पे वर्क करता है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ट्रू हो जाएगा। जितने भी साइकिल है टरबाइन जो है हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे वर्क करता नहीं करता, मैं बहुत थ्योरेटिकली थोड़ा बता दूंगा तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द एयर इज कंप्रेस्ड, तो कोई भी क्लोज साइकिल पूछा गया है एयर को जो हम लोग कंप्रेस करते हैं वो कैसे करते हैं, वो हम लोग आइसेंट्रोपिकली करते हैं, कैसे करते हैं आइसेंट्रोपिकली। द गैस इन कूलिंग चैम्बर ऑफ ए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन इज कूल्ड एट, तो कूलिंग जब भी होगा कोई भी एक क्लोज गैस टरबाइन में तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कौन सा होगा, देखते हैं पहला कौन कौन सा है स्टेटमेंट सभी पढ़ते हैं। द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट्स आर एक्सटर्नल कंबसन साइकिल, क्लोज साइकिल जो है एक्सटर्नल कैसे होगा हम लोग का बताइए, एक्सटर्नल कंबसन प्लांट, सॉरी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर, तो पूछा द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट्स आर एक्सटर्नल कंबसन प्लांट, तो ये सही है हम लोग का, है ना, जो भी हम लोग का जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबसन प्लांट्स ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का जो कंबसन जो होता है हम लोग का एक्सटर्नली होता है। सी नंबर देखिए, द एडवांटेज ऑफ इफिशियंट इंटरनल कंबसन इज एलिमिनेटेड एज द क्लोजेस्ट क्लोज साइकिल हैज एन एक्सटर्नल सरफेस, तो ये करेक्ट है। ठीक, इन एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन एटमोसफेयर एक्ट एज सिंक एंड नो कूलेंट इज रिक्वायर्ड, लेकिन जो हम लोग का बी नंबर है वो हम लोग का रॉन्ग है, क्या बोला, इन द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द प्रेशर रेंज डिपेंड्स अपॉन द एटमोस्फेरिक प्रेशर,
प्रेशर रेंज जो है हम लोग का एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन केस में, तो हम लोग का इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी नंबर हो जाएगा। ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल भी या क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है वो हमेशा वर्क किस पे करेगा, तो जूल साइकिल पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? जूल साइकिल पे। इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट्स पूछा, ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट में क्या क्या हो सकता है, तो हम मैं बार बार बोलता हूँ जो भी आर एस खुद में क्वेश्चन जो है जिसमें ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है वो ज़्यादातर जो है मैक्सिमम चांसेस जो है ऑल ऑफ दिस ही होता है, तो बिना सोचे समझे डी नंबर हम लोगों को टिक कर देना ऑल ऑफ दिस। ऐसे पढ़ लेते हैं पे क्या है, कूलर पहला पूछा था इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर एंड कूलर अवॉइडेड, मतलब जो हीट एक्सचेंजर और कूलर जो है एक्स्ट्रा जो है हम लोग क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट कंबसन सिस्टम में यूज, कंबसन सिस्टम जो है मतलब जहाँ की दहन होता है हम लोग का फ्यूल का वो हम लोग का जो है डायरेक्ट होता है, कंडेंसर जो है यूज तो किया जाता है। वर्क रेशियो पूछा है गैस टरबाइन प्लांट के केस में वर्क रेशियो हम लोग का क्या होगा, ठीक, तो वर्क रेशियो अगर देखा जाए वो हम लोग का होता है नेट वर्क आउटपुट बाय वर्क डन बाय द टरबाइन, ठीक, जो हम लोग का वर्क रेशियो होगा वो हम लोग क्या होगा नेट वर्क आउटपुट टू द वर्क डन बाय द टरबाइन। यही अगर ले लेते हैं अगर हम लोग इफिशियंसी, शायद नेक्स्ट में पूछा होगा इसमें इफिशियंसी, हाँ इफिशियंसी अगर देखें तो इफिशियंसी हम लोग का होता है नेट वर्क आउटपुट टू हीट सप्लाई, ये ध्यान देना, अगर नेटवर्क आउटपुट टू द वर्क डन बाय द टर्बाइन ये हम लोग का वर्क रेशियो है, ये हम लोग का क्या है वर्क रेशियो है, और अगर इफिशियंसी पूछेगा तो नेटवर्क आउटपुट टू हीट सप्लाई ये ध्यान रखना है, ये मैं बोल रहा था, ठीक। आइडियल इफिशियंसी ऑफ अ सिंपल गैस टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर रेशियो, तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, इफिशियंसी जो है कोई भी गैस टर्बाइन में हम लोग का जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, प्रेशर रेशियो पे। अ क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन गिव्स डैश इफिशियंसी एज कम्पेयर टू एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन, इफिशियंसी पूछा गया कौन सा ज़्यादा देता है ना, क्लोज साइकिल या फिर ओपन साइकिल, तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन का इफिशियंसी हम पास ज़्यादा होता है ओपन साइकिल गैस टरबाइन के केस में। रीहीटिंग इन अ गैस टरबाइन, रीहीटिंग गैस टरबाइन क्या कर रहा है हम लोग का, वो हम लोग का थर्मल इफिशियंसी बढ़ाएगा, क्या करेगा थर्मल इफिशियंसी बढ़ाएगा, ठीक। 238 नंबर है, ओके 238 नंबर, दो तीन क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए हम लोग। द वर्क रेशियो ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो वर्क रेशियो जो होता है वो डिपेंड करता है सभी चीज पर, है ना, इफिशियंसी अगर पूछेगा इफिशियंसी हम लोग का वर्क करता है, इफिशियंसी हम लोग का डिपेंड करता है प्रेशर रेशियो केस में, लेकिन वर्क रेशियो पूछेगा तो सभी प्रेशर रेशियो पे तो करेगा ही, मिनिमम साइकिल टेम्परेचर मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर तीनों पे हम लोग का डिपेंड करेगा। 239 फोर इन एन आइडियल गैस टर्बाइन प्लांट इट इज एज्यूम्ड द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर, है ना, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जो भी हम लोग का कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होगा वो क्या होगा आइसेंट्रोपिक होगा या फिर एडियाबेटिक दिया रहे तो एडियाबेटिक मार दीजिए बिना कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा है 240 नंबर, थर्मल इफिशियंसी पूछा है किस केस में आइडल गैस टरबाइन केस में, है ना, तो 1 - 1/r - γ - 1/γ जो होता है हम लोग का ये हम लोग का इफिशियंसी होता है कोई भी आइडल गैस टरबाइन प्लांट के लिए, है ना, ये डी नंबर, जहाँ आर जो है हम लोग का प्रेशर रेशियो है, ये आर जो हम लोग वो नहीं समझ लीजिए कंप्रेशन, वो कंप्रेशन रेशियो केस में जाता है ऑटो साइकिल डीजल चला के, यहाँ पर जो है हम लोग गैस टर्बाइन का केस आया था टर्बाइन के केस में, इसलिए हम लोग आर को ही हमें प्रेशर रेशियो ऐसे जनरली जो आर पी दर्शाना चाहिए, है ना, प्रेशर रेशियो तो हम लोग क्लियर हो जाता है, क्योंकि अलग अलग नॉमनक्लेचर होना जरूरी है नहीं तो दिक्कत ही आ जाती है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे बार बार यहाँ पे सभी जगह देखते हैं सभी क्वेश्चन में यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जो भी किताब में हम लोग पढ़े नॉमनक्लेचर वो जो आर एस खुर में जो दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें अलग तरीके से है, ठीक, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से दिया है वही चेंजिंग नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं रहेगा, अभी तक तो यही देखा गया है कि चेंजिंग नहीं रहता है, ठीक, तो उसी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, इसीलिए हम लोगों को कोई गलती भी नहीं होता है, जो हम लोग सीख के जाते हैं वही टिक करते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान भी देना दोस्तों एग्जामिनर जो है क्वेश्चन चेंज कर सकता है डेटा चेंज कर सकता है, तो ध्यान से, ठीक, जो हम लोग थ्योरी पढ़े वहाँ पे काम आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग को वेस्ट जाने वाला है, ठीक, थ्योरी हम लोग का क्लियर रहता है तो क्या होता है हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव करने में बहुत ही आसानी होती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप लोग कोई वीडियो देखते हैं कोई भी सब्जेक्ट का तो एक बार पहले उसको पढ़ लीजिए, यह तो ऑब्जेक्टिव ही एक बार पढ़ करके वीडियो को देखिए तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आए, ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।